क्लास में हम आपको बता रहे हैं कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल पेंडिंग अमाउंट आ रही है, ये कहाँ से आ रही है? तो ये मेरी आउटस्टैंडिंग है, रिसीवेबल और पेबल। तो हम सबसे पहले आपको रिसीवेबल के बारे में बताते हैं कि एग्जांपल फॉर आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी पार्टियाँ हैं और मैं इसमें से किसी एक पार्टी को चूज कर लेता हूँ। जैसे मान के चलिए रमेश कुमार यादव नाम की कोई एक डेप्टर्स है जो उसने मुझसे माल परचेज की और उसने पेमेंट भी दे दिया, और आपको मैं इसका लेजर ओपन करके दिखाता हूँ, वहाँ पे कोई भी पेंडिंग अमाउंट नहीं है। तो आइए चलते हैं इसके लेजर पे। रमेश कुमार यादव का लेजर ओपन कर लीजिए और ये देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इनका टोटल, ओपन कर लीजिए लेजर को और ये देखिए इन्होंने 10,000 दिया, बदले में इसने ये सारे अमाउंट A to Z एडजस्ट है और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस भी 0 आ रही है। इसके बावजूद आउटस्टैंडिंग जो इनका है सो खड़ा है, पेंडिंग है, वो बता रहा है कि इनसे अभी भी मुझे पेमेंट लेनी है। इस तरह की अमाउंट की हम एंट्री किस तरह से करेंगे उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि आप देख लीजिए यहाँ पे 1 तारीख से टोटल एंट्री है और यहाँ पे शो भी हो रहा है 2 अप्रैल में, ये दोनों इन्वॉइस नंबर रिफरेंस नंबर के साथ 10,000 और 2700 अमाउंट, और टोटल नीचे 578 अमाउंट लास्ट है 2,62,000, 2,62,37,000 रुपया समथिंग में ये पेंडिंग दिख रहा है। तो हम देखते हैं कि ये एडजस्टमेंट होने के बाद ये इन्वॉइस नंबर कम होता है या नहीं, ये रेफरेंस हटती है या नहीं, और ये रेफरेंस नंबर यहाँ से हटती है या नहीं, और ये जो पेंडिंग अमाउंट है ये कम होता है कि नहीं। इस तीनों को मैं आज इस एंट्री को क्लियर होने के बाद चेक करूँगा। तो चलिए सबसे पहले रमेश कुमार के लेजर को ओपन कर लीजिए और आ जाइए इसके पूरे लेजर को खोलने के बाद वन बाय वन करके हम इसके किस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे उसके बारे में एंट्री लेंगे। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे उसे अमाउंट रिसीव किया है बाय बैंक, तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ ये न्यू रेफरेंस नंबर डाल करके इसे हम सबसे पहले कंट्रोल ए सेव कर लेंगे। नेक्स्ट अमाउंट पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद यहाँ ये सारे को एंट्री एंटर करने के बाद आप यहाँ आ जाइएगा और यहाँ आने के बाद आपको पूछ रहा है कि यहाँ पे न्यू रेफरेंस देना है या इसने पहले से ही पेमेंट दे दिया है उसके अगेंस्ट में इस अमाउंट को एडजस्ट करना है। मुझे उस पेमेंट के अगेंस्ट में इस अमाउंट को एडजस्ट करना है, और वो पेमेंट उसने कितनी दी, 10,000 रुपया दिया है इस रेफरेंस नंबर के बदले में। तो यहाँ पे हम 10,000 रुपया के साथ पहले उस इसके 10,000 रुपये वाले अमाउंट को एडजस्ट करेंगे और बाकी जो इसका ड्यू बचा 19,98 रुपये उसे न्यू रेफरेंस में डाल करके एंटर करके सेव कर लेंगे। अब मेरा ये 19,98 रुपये भी आया है, अब इस 19,98 रुपये पे क्लिक करेंगे और ये फिर इसको हम अगेंस्ट रेफरेंस में डालेंगे और ये देखिए ये जो इसका न्यू रेफरेंस नंबर हमने अभी वहाँ पे एडजस्ट करके बनाया था वो वाली अमाउंट को यहाँ ले करके सेव कर लेंगे। फिर नेक्स्ट अमाउंट पे आएंगे, अब यहाँ पर हम इंटर करेंगे, इंटर करते जाएंगे, इंटर करने के बाद यहाँ आएंगे, यहाँ पे हम पहले अगेंस्ट रेफरेंस देखेंगे, चेक करेंगे कुछ है बचा हुआ, आप देख रहे हैं कुछ नहीं बचा, ये यही वाला रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको न्यू रेफरेंस में डाल करके अब हम सेव कर लेंगे क्योंकि इससे पहले कोई भी ड्यूज नहीं बचा हुआ था, इसलिए इसे न्यू रेफरेंस में डाल देंगे। अब इसके अगेंस्ट में अमाउंट आया है हमको 11 जून को, अब इस अमाउंट को हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे कौन सी बिल के अगेंस्ट में, तो ये बिल आपको यहाँ पे दिखाई देगी, ये देखिए ये STB B2C है 755 और ये दूसरा है, दोनों का रेफरेंस नंबर अलग अलग है, ये मत समझिएगा कि यही रेफरेंस नंबर यहाँ पे आ रही है, अलग अलग है। इस रेफरेंस नंबर को इस रेफरेंस नंबर वाले अमाउंट के साथ एडजस्ट हम यहाँ पे कर देंगे और कंट्रोल इसे सेव कर देंगे। अब हम चलते हैं आउटस्टैंडिंग वाले लेजर पे, स्टेटमेंट पे आ जाएंगे और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में रिसीवेबल में आएंगे और ये देखिए पहले मेरा 578 था, अब यहाँ 576 घट के आ गया, ये भी पेंडिंग अमाउंट भी घट गई है और यहाँ से रेफरेंस नंबर जो दोनों आ रहे थे वो भी यहाँ से हट चुकी है। ऐसे ही अगर दूसरी पार्टी का भी आप करना चाहते हैं, तरन्नुम खातून है, उसका भी सेम इसी तरह से हम एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ से हम चलते हैं नेक्स्ट नेम, कोई एक सा ले लेंगे,
और उसका हम एडजस्टमेंट करेंगे कि उसको किस तरह से एडजस्टमेंट यहाँ पे करनी है। मैं यहाँ से तरंग खातों के लेजर को पेन करता हूँ, डीएल तरंग खात। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसके एडजस्टमेंट किस तरह करेंगे और वहाँ से रेफरेंस नंबर पेंडिंग हटती है या नहीं। सबसे पहले मैंने यहाँ पेमेंट लिया है और यहाँ पर आने के बाद इसे न्यू रेफरेंस नंबर में डाल के सेव कर लेंगे। नेक्स्ट फिर मैंने इसकी एंट्री की है और यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि इस बिल के अगेंस्ट में कोई पेमेंट पहले से है या नहीं, उसका एडजस्टमेंट हम पहले करेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 1400 रुपया आया हुआ है और यहाँ 1400 रुपया ले करके और न्यू रेफरेंस में बाकी के अमाउंट को हम एडजस्ट करके यहाँ सेव कर देंगे। अब आ जाइए उस बाकी जो अमाउंट मैंने न्यू रेफरेंस में एडजस्ट किया है उसको मैं इस कैश के साथ एडजस्टमेंट करूँगा और यहाँ पे जाएंगे अगेंस्ट रेफरेंस में और फिर इसको ये अमाउंट के साथ इसको एडजस्ट करेंगे और सेव कर लेंगे। और फिर हम वहाँ पे जा करके और डेस्टिनेशन में देखेंगे कि अभी भी तरंगम खातून का लेजर है या हट गया। आप देख रहे हैं कि अब तरंगम खातून के यहाँ पे कोई भी लेजर नहीं है। तो इस तरह से हम एक एक करके सारे पार्टी जितने भी हैं सबका एडजस्टमेंट करेंगे तो लास्ट में आपकी ये जितनी भी पेंडिंग अमाउंट है वही बचेगी जिसका कि आपने बिल बना दिया है, सेल कर दिया है और पेमेंट बाकी है, वही अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम रिसीवेबल के एडजस्टमेंट करेंगे। सेम पेबल की भी यही बात है कि जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ एनयू विस्टा लिमिटेड एक कंपनी थी जिसकी ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे ये है। अब इस ओपनिंग बैलेंस को जैसे ही मैं इस साल के परचेज अमाउंट के साथ एडजस्टमेंट करूँगा तो यहाँ से हट जाएगी। तो आप ये दिखाते हैं आपको हम इसका लेजर खोल करके न्यू विस्टा पे आ गए और इसका स्टार्टिंग से हम पूरा लेजर पेन कर लेते हैं और आप देख रहे हैं इसका यहाँ पर क्रेडिट है अभी भी 6840 रुपये 5 अप्रैल को परचेज किया गया है। इससे पहले जो परचेज की गई उसकी भी ड्यूज अभी तक पेमेंट बाकी है। तो आप देख रहे हैं कि जब मैं उसका यहाँ पे पेमेंट करूँगा तो इस ओपनिंग के साथ पहले एडजस्टमेंट करूँगा, फिर जो बचेगी उसको इस परचेज अमाउंट के साथ एडजस्टमेंट करके यहाँ से उसका आउटस्टैंडिंग को नील करेंगे। तो अभी पेमेंट हुआ ही नहीं है तो ये वैसे ही पेबल में अभी पेंडिंग रहेगी। नेक्स्ट देख रहे हैं मिस्टर एसबी ट्रेडर्स है जिसका कि 86 रुपया 20 पैसे आ रहा है। तो इसका भी आपको उसी तरह से एडजस्टमेंट करनी है। महिमा ट्रेडिंग है इसका भी आप देख रहे हैं, यदि हम महिमा ट्रेडिंग का लेजर खोलते हैं और आप यहाँ आ जाइए और देखिए महिमा ट्रेडिंग से परचेज हुई है 41,472 रुपये की, लेकिन अभी तक कोई भी पेमेंट नहीं गया है इसलिए ये यहाँ पे आपको टेबल में खड़ी दिखाई दे रही है। तो जिसका पेमेंट चला जाएगा उसको इस परचेज इनवॉइस के साथ एडजस्टमेंट करिएगा, उसके बावजूद ही आपका ये जो आउटस्टैंडिंग है वो तो नील होगी। अगर ऐसे ही डायरेक्ट ऑन अकाउंट या किसी में रेफरेंस डाल दीजिएगा कोई पेंडिंग खड़ी रह जाएगी, आप वहाँ से लेजर तो नील कर देंगे लेकिन यहाँ पे आउटस्टैंडिंग ऐसे के ऐसे ही खड़ी रह जाएगी, जो कि ये एक्चुअल अकाउंटिंग टैली में नहीं माना जाएगा। टैली का सही से मेंटेन करने के लिए एक एक बिल को एक एक अमाउंट को आपको एडजस्टमेंट करके चलना है, तभी आप एक सही अकाउंटेंट की मेंटेन कर पाएंगे, सही अकाउंटेंसी आप मेंटेन कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं। इससे पहले आपको मैं कुछ बता देना चाहता हूँ कि ये मेरा प्रोफेशनल प्राइम यूट्यूब चैनल्स है, इसमें टैली से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है, आप यहाँ पर मेरे इस प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हैं। टैली प्राइम से रिलेटेड जितने भी मैंने ये वीडियो अपलोड कर रखी है आप वन बाई वन करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोई भी बैलेंस मिसमैच अगर करेगा तो बैंक स्टेटमेंट के साथ कैसे उसे सर्च करेंगे। आप इसके लिए सिर्फ 1 मिनट का टाइमिंग चाहिए। पेमेंट वाउचर का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, ए टू जेड रिसीव का, इस बारे में क्रेडिट डेबिट नोट से रिलेटेड सारी मैंने यहाँ पे टैली में अपलोड कर रखी है, वन बाय वन करके इस सब को देख सकते हैं। और खास करके ये उनके लिए है जो नए बिगनर्स हैं, जो अभी नई अकाउंटेंसी में एंट्री लिए हैं, उनके लिए ये बहुत बेटर है।
आप आइए और यहाँ से देखिए और सीखिए, और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन इसकी मिलती रहे। तो वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर अलॉन्ग वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।